हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 से एग्जांपल नंबर 11। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। एक हेलीकॉप्टर मिस हो गया है तो वो क्रैश होके उसके गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो हमारी इस रेक्टेंगुलर रीजन में है, जिसमें एक लेक भी है और ये फॉरेस्ट जैसा भी पार्ट है। तो ये रेक्टेंगुलर में लेक और फॉरेस्ट दोनों है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो आपको बताना है कि उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होके इस लेक में गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप यहाँ पे देखो, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इस पूरे एरिया में, इस रेक्टेंगुलर एरिया में, वो कहीं पे भी क्रैश होके गिर सकता है। तो ये इक्वली लाइकली कंडीशन है कि वो चाहे लेक में गिरे चाहे इस रेक्टेंगल में कहीं भी गिरे, वो हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे, लेट कि मैंने देखा कि ये इस पॉइंट पे वो गिरा है, तो हम कैसे बताएंगे कि यहाँ गिरा है, क्योंकि हमें यहाँ का कोई ये पता तो है नहीं, कि इस पॉइंट को डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका हम एरिया लेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे गिरा है। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया लेंगे और लेक का भी यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया लेंगे। तो दोनों का हम एरिया फाइंड करेंगे। अब आपको यहाँ बताना है कि लेक में गिरने की क्या प्रॉबिलिटी है। तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है, इस लेक में वो कहीं भी गिर जाए, यहाँ गिर जाए, यहाँ गिर जाए, तब वो लेक में आएगा। किसी भी पॉइंट पर गिरे वो लेक का पार्ट होगा। तो इसके एरिया में कहीं भी गिरे, ये हमारी लेक में गिरने की फेवरेबल कंडीशन हो गई। और पॉसिबल कंडीशन क्या है, पॉसिबल कंडीशन ये है कि इस रेक्टेंगल में वो कहीं पर भी गिर सकता है, लेक में भी गिरे, ना गिरे, इधर कहीं भी गिरे क्रैश होके। तो ये हमारा पॉसिबल हो गया कि इस पूरे एरिया में कहीं भी गिरेगा, लेकिन हमें लेक की प्रॉबिलिटी चाहिए। तो ये हमारे फेवरेबल कंडीशन हो गई कि वो लेक के एरिया में ही गिरे। तो नाउ राइट करते क्वेश्चन। द हेलीकॉप्टर इज इक्वली लाइकली, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ इक्वली लाइकली कंडीशन है कि वो कहीं पे भी गिर सकता है। इक्वली लाइकली टू क्रैश एनी वेयर इन द रीजन। और हम यहाँ पे प्रॉबिलिटी फाइंड करने के लिए एरिया यूज कर रहे हैं, तो हेयर वी यूज एरिया टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो फॉर, अब सबसे पहले हम लेक का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले लेक के लिए, फॉर लेक, तो लेक की लेंथ, और क्योंकि ये रेक्टेंगुलर रीजन लग रहा है तो हम एल इन टू बी उसका एरिया होता है, तो हम लेंथ फाइंड कर लेते सबसे पहले, तो लेंथ ऑफ लेक। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है, तो ये जो हमारा 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 9 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है। फिर ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगा। तो लेक इसमें से सिर्फ इतने से पोर्शन में, क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर है, तो जितना ए बी है उतना ही सी डी होगा। तो अभी देखो, ये 9 है तो ये भी 9 होगी, 9 है बट हमें इतना सा 6 गिवन है, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा, क्योंकि ये टोटली 9 है, तो 6 9 माइनस 6 के 3 हुआ, तो 6 प्लस 3 हमारा 9 हो जाएगा। तो ये ए बी हमारा यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आप ये देखो, ये 4.5 है तो ये पूरा भी 4.5 है, बट हमें ये इतना सा 2 दिया हुआ है, तो ये हमें बी सी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 4.5 माइनस क्या कर दोगे, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 2.5 हमारा बी सी आ गया। तो जितना बी सी उतना ही हमारा ए डी होगा, तो बस यही है। तो लेंथ हमारी यहाँ से कितनी हो गई, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 किलोमीटर। और ब्रेथ हमारी कितनी हो गई, ब्रेथ इज 4.5 माइनस 2 इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। तो ये अब इस तरह सब्ट्रैक्ट करना, 4.5 माइनस 2.0, तो ये 2.5 आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ लेक कितना हो गया, इक्वल टू एल इंटू बी, तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 2.5, 25 इंटू 3 75 होता है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, एरिया है तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया। नाउ हम यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। सेकेंड हमें यह फाइंड करना, तो इसका भी हमारा एल इंटू बी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमें 9 और ये 4.5 गिवन है। तो एरिया ऑफ द एंटायर रीजन वेयर
हेलीकॉप्टर कैन क्रैश, तो वो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एल इन टू बी, तो उसका एल कितना है 4.5, यहाँ हम कैपिटल एल ले लेते हैं, ये बड़ा है ना, और ये कैपिटल बी ले लेते हैं, इनटू ब्रेथ इज 9, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे लेंथ हमारी, सॉरी लेंथ हमारी 9 है, ब्रेथ हमारा 4.5 है, तो ये 4.9 इंटू 5, 45 का 5 कैरी 4, 9 इंटू 4 36 प्लस 4 40, और एक नंबर के बाद डेसिमल हो जाएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों एरिया हमने फाइंड कर लिया। नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ लेक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रीजन, या टोटल एरिया ऑफ रीजन। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ लेक हमारा कितना आया था 7.5, डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन हमारा आया 40.5, तो इसको डिवाइड किया, डेसिमल हटाया यहाँ 0 आ गया, 10 यहाँ डेसिमल हटाया ऊपर 10 आ गया, नाउ 10 से 10 कैंसिल, 5 के टेबल में 75 आया 1, और 5 टाइम, ये 5 के टेबल में 81, फिर 3 के टेबल में 15 आया 5 टाइम, 3 के टेबल में 81 आया 2 6 और 21 7 टाइम, तो हमारा यहाँ प्रोबेबिलिटी आ गई 5/27। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।